इन दिनों देश भर में देश का नाम बदलने जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज से तकरीबन 20 साल पहले एक प्रमुख नेता ने देश का नाम बदलने जाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। कौन थे वह नेता, क्या था मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बनाया है, जिसका नाम INDIA मतलब कि इंडिया रखा गया है। वही हाल ही में G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर देश का नाम बदले जाने को लेकर अफवाह तेज हो गई है। फिलहाल विपक्ष लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहा है। दरअसल आज हम समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज से तकरीबन 20 साल पहले 2004 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान विधानसभा में इंडिया का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव लाए थे। उस समय मुलायम सिंह यादव ने इंडिया का नाम भारत करने के लिए एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लाया और इसे सर्वसम्मति से पास कराया था। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने साल 2004 में हुए चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था कि वह देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करेगा। इसके लिए चुनावी घोषणा पत्र में देश का नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।